चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट का एक और प्रॉपर्टी है बच्चों, डिस्पर्सन के नाम से हम जिसको जानते हैं। क्या होता है डिस्पर्सन में, वैसे तो सबको पता है, थोड़ी थोड़ी बातें। अगर डिस्पर्सन की बात करें तो हमने सुना है कि लाइट कभी भी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो अपने जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं, जितने कलर्स होते हैं, उसमें वो ब्रेक हो जाता है। तो एक सबसे पहले जो सवाल आता था, सर अभी तक आपने जो लाइट लिया था वो तो कभी टूटा नहीं, आपने कहीं से भी पास कराया था तो एक ही रे लिया था, एक ही रे निकलता था। तो अभी तक बच्चों हमने जितना भी लाइट लिया था वो सारा का सारा मोनोक्रोमेटिक लाइट था। कैसा लाइट था? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट लिया था हमने। अभी तक जितना भी लिया था उसमें हमने व्हाइट लाइट का यूज किया ही नहीं था, या फिर एक से ज्यादा वेवलेंथ, इसका मतलब है सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ। तो हमने अभी तक इसका यूज किया था, इसलिए क्या हो रहा था, हम एक रे ले रहे थे, एक रे निकल के जा रहा था। लेकिन अगर कभी भी व्हाइट लाइट को यूज किया जाए तो कहानी बदल जाता है। वो अपने कंस्टिट्यूएंट जितने भी उसके कलर्स हैं उसमें वो ब्रेक हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है, एक होता है बच्चों कॉसी फॉर्मूला, नाम सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो सुन लो, कॉसी फॉर्मूला। उसने एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट से एक इक्वेशन निकाल के दिया था, म्यू दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा प्लस सी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा एक फॉर्मूला बना के दिया। और उसने ये प्रूफ किया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, यानी कि जिसका वेवलेंथ कम होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा निकल के आएगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम हो जाएगा। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात, प्योर थ्योरेटिकल बातें हैं आज की। तो हमें पता लगा, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉसी, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अब व्हाइट लाइट जो होता है, व्हाइट लाइट इसकी अगर बात की जाए तो व्हाइट लाइट को हम लोग, इसमें हमको पता है कि सात रंग होते हैं, ये सब सब ये बातें सबको पता है, विव गायोर से डिनोट करते हैं, है ना, ऐसा कुछ होता है, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, हाँ यही होता है। हालांकि आजकल इंडिगो को गायब कर दिया गया है, पता है कि नहीं, इंडिगो गायब हो गया है बच्चे आजकल। आजकल जो नया थ्योरी बनेगा अब, मतलब अपने सेक्शन में है बट आगे जैसे जाओगे तो ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा पिक्चर से, इसको हटा दिया गया है। तो अभी पता नहीं, मतलब इसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है, इसके ऊपर जो वेरिएशन आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है, तो इसका कोई यूज उनको समझ में नहीं आ रहा है। इंडिगो और ब्लू, मतलब ब्लू ही मान रहे हैं, मतलब वीवी गायर कर दिया गया है इसको, अभी नया जितना आने वाला है, लेकिन अपने सेक्शन में है, अपने लिए इंडिगो अभी भी है, ठीक है। तो ये इंडिगो बेसिकली अब क्या हुआ, ये इंडिगो फ्लाइट बन गया है ना, तो इसलिए यहां से हटा दिया गया ऐसा कुछ नहीं है, खैर अभी फिलहाल अपने सेक्शन में है। तो हम जानते हैं जब हम विव गायोर की तरफ जाते हैं, वायलेट से रेड की तरफ, तो वेवलेंथ बढ़ता है कि घटता है भाई? बढ़ता है, बढ़ता है। चलो ये बेसिक बातें हैं, ये पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो आज के बाद याद रखना, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का होता है, उसके बाद धीरे धीरे रेड की तरफ जाते हैं, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो जाता है। और हमें पता लग गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू घटता जाएगा, डिक्रीज होगा, समझ रहे हो बात। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे डिक्रीज होगा, याद करो स्पीड ऑफ लाइट जो था मीडियम में वो डिपेंड करता था या नहीं करता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे? करता था, करता था, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, याद है। तो जैसे, हाँ, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए बच्चे, समझ रहे हो, जैसे जैसे लाइट का कलर बदलता जाएगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके हिसाब से, लाइट के हिसाब से बदलते जाता है, समझे, तो इस बात को ध्यान में रखिए। अभी कहानी बहुत गहराई में जाने वाला है, सुनते जाओ। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू घटता गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू घटता गया तो स्पीड बढ़ता गया। तो रीजन यही होता है कि जितने भी वेवलेंथ वाले लाइट्स होते हैं वहां पे, उन सब का स्पीड अलग अलग हो जाता है। जब एक मीडियम से पास करता है कोई भी लाइट तो उनका स्पीड डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, और स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण सबका जो रिफ्रैक्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे होता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अब
अब क्या हुआ, जैसे लाइट पास किया, व्हाइट लाइट पास किया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अब रेड रेड जो है उसका स्पीड सबसे ज्यादा, रेड वाले वेवलेंथ जो है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, तो वो बहुत कम डेविएट होता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जाओगे ऑरेंज येलो, इनका डेविएशन ज्यादा होने लग जाता है स्पीड के कारण, इनका डिफरेंट डिफरेंट स्पीड निकल के आता है, इसके कारण इनका डेविएशन अलग अलग होने लगता है और ये व्हाइट लाइट अपने सात रंगों में टूट जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बात समझ में आया, लिखा दूं, लिख लो। व्हेन व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, व्हेन व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट देन, फिर से बोल रहा हूं, व्हेन व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट देन it splits into its constituent colors। हो गया, फुल स्टॉप के बाद आगे लिखो, ड्यू टू कॉसीज फॉर्मूला we see that lambda is inversely proportional to, sorry, mu is inversely proportional to lambda. So as lambda changes, mu changes, and hence speed of light changes for different wavelengths. Hence, speed of light changes for different wavelengths. Full stop. This causes the white light to break into seven colors. This causes the white light to break into seven colors. Colors. लिख लिया? ये लिख लो फटाफट। Light breaks into seven colors. This process is known as dispersion. बता रहा हूं। थ्योरेटिकल सवाल आता है, कैसा आता है वो भी बता रहा हूं। मिटाऊ बोलते नहीं। चलो सबसे पहले लाइट को हम लोग पास कराते हैं, केस वन।
रेयरर से डेंसर मीडियम में, व्हाइट लाइट ले रहा हूं मैं अब हर जगह, ख्याल रहे। अभी मोनोक्रोमेटिक लाइट गया पिक्चर से। तो रेयरर से डेंसर में जब जाता हूं तो मुझे पता है कि आफ्टर रिफ्रेक्शन लाइट नॉर्मल की तरफ जाता है या नॉर्मल से दूर जाता है, नॉर्मल की तरफ। ये व्हाइट लाइट बच्चों, ये आया, ये नॉर्मल लाइट जा रहा था इधर, बट अभी ये मुड़ेगा नॉर्मल की तरफ। और मजे वाली बात ये कि अपने सात रंगों में टूटता हुआ सबसे कम जो डिफ्लेक्ट होता है अपने पाथ से, दैट इज रेड। तो इस नॉर्मल के, सॉरी, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, यहां से जो सबसे कम डिफ्लेक्शन होगा दिस इज रेड कलर। उसके बाद कौन, तीन चार पांच छ एंड दिस इज सेवन, तो दिस इज रेड। अब यहां से स्टार्ट कर लो, सबसे जो ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है दैट इज वॉयलेट। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसमें सवाल कैसा पूछेगा जानते हो? सवाल पूछेगा जब रेयरर से डेंसर मीडियम में व्हाइट लाइट को हम पास करेंगे तो देखो क्या क्या सवाल पूछ सकता है, मैं सारा बताता हूं। सबसे पहले तो ये देखो, इसको बोलते हैं डेविएशन ऑफ रेड लाइट, डेल्टा आर, दिस इज डेल्टा आर। और इसको बोलते हैं बच्चों डेविएशन ऑफ वॉयलेट लाइट, दिस इज डेल्टा वी। क्या है ये? डेल्टा वी, ये रेड, डेल्टा वी। तो ये जो दिखाई दे रहा है तुमको, कितने एरिया में लाइट स्प्रेड हुआ, सबसे पहले ये देख लो, ये वाले रीजन में लाइट स्प्रेड हो गया ना, ये वाला। और अगर ये वाला मुझे एंगल निकालना है इसके बीच का, तो क्या इस डेल्टा वी में से डेल्टा आर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, ये वाला। इसको बोलते हैं बच्चों थीटा, थीटा इज एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, या फिर स्प्रेड ऑफ कलर्स भी इसको बोलते हैं, कितने एंगल में कलर्स जो है वो फैल गया, स्प्रेड ऑफ कलर्स। तो बेसिकली थीटा जो होता है, थीटा इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यानी कि वॉयलेट कितना डिफ्लेक्ट हुआ, कितना डेविएशन हुआ उसके पाथ में, माइनस रेड का कितना हुआ, दैट इज एंगुलर डिस्पर्सन, पहली बात। अब इसमें सवाल जो पूछेगा वो बोलेगा बताओ जब रेयरर से डेंसर मीडियम में पास किया तो नॉर्मल के सबसे पास कौन रहेगा। इसमें क्या क्या सवाल आएंगे, क्लोजेस्ट टू नॉर्मल, क्लोजेस्ट टू नॉर्मल कौन रहेगा, वॉयलेट। फार्देस्ट टू नॉर्मल कौन रहेगा, रेड। मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन किसका हुआ, रेड। मैक्सिमम डेविएशन किसका हुआ, वॉयलेट। आपको बोलेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर मिनिमम किसका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम किसका, वॉयलेट का। अरे नॉर्मल के साथ ही तो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यही तो है, तो यही सबसे छोटा है, रेड का तो इतना बड़ा है, तो सबसे छोटा जो होगा वो वॉयलेट का होगा और आर मैक्सिमम किसका होगा, रेड का होगा। ऐसे थ्योरेटिकल सवाल पूछे जाते हैं कि एक लाइट को पास कर दिया रेयरर से डेंसर मीडियम में या डेंसर से रेयरर में, बताओ ये सब क्या होगा, नोट करो इसको। और येलो, ये कितना कितना एंगल में सारे कलर डिविएट, मतलब वो हो गए, फैल गए, एंगुलर डिस्पर्सन। और देखो बच्चे ये जो वाई है ना, वाई अगर कुछ नहीं हो, सिंपली सिंपल डेविएशन की खाली बात करें, व्हाइट लाइट को पास कर दे और बोले डेविएशन, या फिर इसको मीन डेविएशन भी बोलते हैं, तो समझ जाना वो वाई की बात कर रहा है। अगर कुछ नहीं पता हो तो मीन डेविएशन को यूज किया जाता है, दैट इज डेल्टा वाई, यानी कि वाई कितना डेविएट हुआ, इसको एवरेज मान लिया जाता है सबका, समझ रहे हो, येलो कलर को, येलो कलर को हमेशा एवरेज मान के चलते हैं। नोट करें थीटा इज एंगुलर डिस्पर्सन, कितने एंगल में सात कलर फैल चुका है, दिस एंगल रेड से लेके वॉयलेट तक का, तो वॉयलेट का डेविएशन माइनस रेड का डेविएशन।
खो गए हम कहाँ, रंग सा ये जहाँ, टेढ़े मेढ़े रास्ते। बना लिए? एग्जाम आ गया, एग्जाम जेई का एग्जाम। तुम लोग में से कोई दे रहा है क्या जेई का एग्जाम, जेई नीट का? बहुत बढ़िया बच्चे, तुम लोग याद किए जाओगे, हिस्ट्री में तुम लोग का नाम याद रखा जाएगा। हम वो थे जो कोरोना काल में हमने एग्जाम दिया था जान की बाजी लगाकर। हाँ, लास्ट टाइम स्ट्रेटजी टिप्स, लास्ट टाइम स्ट्रेटजी टिप्स चाहिए तुमको। एक काम करो, देखो लास्ट टाइम में वैसे कुछ होता तो नहीं है, बट फिर भी एक काम करो, यूट्यूब चैनल में जाओ, मैंने 2-3 वीडियो बना के रखा है क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो देख सकते हो एक बार, शायद तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो जाए। अब चलते हैं केस 2, डेंसर टू रेयरर। लाइट को पास करते हैं डेंसर से रेयरर में, डेंसर मीन डेविएशन। अगर बोले कि व्हाइट लाइट को पास कर दिया, डेविएशन इतना हुआ, ठीक है, और ये नहीं बोलता है कि रेड का हुआ कि वायलेट का हुआ, तो तुमको समझना है कि येलो का हुआ, समझे? मतलब सभी कलर के बीच का एंगल, अच्छा ये वाला एंगल इनके बीच का, नहीं, ऐसा थोड़ी है बच्चे, वो तो डेविएशन से निकालना पड़ेगा ना, कौन कितना डेविएट हुआ, ये थोड़ी बोल सकते हैं सेम ही होगा। चलो इधर आओ, जब डेंसर से रेयरर लाइट जाता है बच्चों, डेंसर से रेयरर, तो किधर भागता है? नॉर्मल से दूर। तो जरा बताओ नॉर्मल के सबसे पास कौन रहेगा, सोच के बोलना, नॉर्मल के सबसे पास, सॉरी मतलब ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल पाथ, इसके सबसे पास कौन रहेगा? अबे रेड रहेगा, रेड रेड ही है जो सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है अपने पाथ से, जिसका डेविएशन सबसे कम होता है हर केस में, तो ये है रेड, और ऐसे ही कहानी चलता रहेगा, और लास्ट में मिलेंगे भाई साहब वॉयलेट, 1 2 3 4 5 6 7, ये कहानी है। चलो इधर ध्यान दो, बाकी सब तो सेम ही रहेगा तुम्हारा। क्या हुआ भाई, मम्मी से बात करने लग गया हैं? बंगाली है वही तो। किसका किसका आवाज आ रहा है, किसका किसका माइक है ये? निलोय दास। चलो इधर आओ, चलो अब ये सारे पॉइंट बताओ, क्लोजेस्ट टू नॉर्मल कौन है? हाँ भाई, क्लोजेस्ट टू नॉर्मल रेड, फार्देस्ट टू नॉर्मल वॉयलेट, मिनिमम डेविएशन किसका हुआ भाई? रेड का ही होता है हमेशा मिनिमम, रेड मैक्सिमम डेविएशन वॉयलेट। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ मिनिमम किसका? ए, अबे रेड, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये सबसे छोटा और वॉयलेट का सबसे बड़ा, दिखाई दे रहा है? नॉर्मल के साथ लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
तो सबसे छोटा रेड का और सबसे बड़ा वायलेट का, लिखो। नीलोदास, नीलोदास सुनाई दे रहा है तुमको? ये लगता है फोन ऑन करके कहीं और खो गया ये। सही है। अरे इसको कोई म्यूट करवाओ बे। सौरभ, कुणाल जी, हाँ हेलो। हाँ भाई, ये लड़की के साथ लग गया, ये गजब आदमी है ये। लाइव क्लास में कौन बात करता है भाई गर्लफ्रेंड के साथ? हे प्रभु, अरे इसको कोई म्यूट करवाओ रे। इसको कोई मैसेज करो तो। बहुत बड़ा नमूना आदमी है ये तो। पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा मुझे लगता है अब। अरे भाई कोई बंद करवाओ वे इसको, कोई कॉल करो तो। किसी के पास कोई दूसरा फोन है, कॉल करो तो इसको एक बार। गजब आदमी है, गजब मतलब। चलो भाई सब लोग बोर्ड पे देखो, ग्लास स्लैब से पास कर रहा हूं मैं व्हाइट लाइट को। तो ग्लास स्लैब से जब पास किया तो क्या होगा? अच्छा याद करो, ग्लास स्लैब से पास करते थे तो डेविएशन कितना आता था मोनोक्रोमेटिक में? डेविएशन कितना आता था? अबे डेविएशन आता ही नहीं था ग्लास स्लैब में, पैरेलल निकलता था, शिफ्ट आता था, शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट। याद है एक फॉर्मूला लिखाया था? तो देखो क्या होगा, जैसे व्हाइट लाइट गया बच्चों, तो सबसे पहले तो मान लो यहां पे रेड ऐसे ये मार खाएगा लड़का, ये किसी दिन मिल गया मुझे तो। ये देखो ये रेड से वॉयलेट तक आया, और यहां आने के बाद जब दूसरे वाले सरफेस से रिफ्रेक्शन होता है तो ये वापस थोड़ा सा दूर भागता है और ओरिजिनल रे के पैरेलल हो जाता है। अगर ये इसका ओरिजिनल रे था तो इसके पैरेलल निकलता था, याद है? इसको मैंने प्रूफ भी किया था, याद आ रहा है? क्या फॉर्मूला था लैटरल शिफ्ट का? साइन आई माइनस आर, बिल्कुल। तो ये बच्चों शिफ्ट हो जाता है, ये रेड है, ये वॉयलेट है, तो दिस इज शिफ्टिंग ऑफ रेड एस आर एंड दिस इज शिफ्टिंग ऑफ वॉयलेट। तो याद रहे, कंफ्यूज मत होना कि इस बोले कि व्हाइट लाइट को ग्लास स्लैब से पास कर दिया तो बताओ मिनिमम डेविएशन किसका होगा, मैक्सिमम डेविएशन किसका होगा। डेविएशन होता ही नहीं है, डेविएशन जीरो होता है सबका, सारा रे पैरेलल निकलता है ओरिजिनल के। हाँ ये पूछेगा कि शिफ्टिंग मैक्सिमम किसका होगा, शिफ्टिंग मैक्सिमम किसका बच्चों? अरे गधा, रेड का तो इतना सा हुआ।
वायलेट का और मिनिमम होगा रेड का। लिखो, नोट करो। चलो फाइनली चुप हुआ भाई, इसका लव स्टोरी है। निलय दास सुन, अभी भी नहीं रहा है ये, झूठ मूठ का क्लास ऑन कर रही है ये। नेक्स्ट एक सवाल पूछूं, बताओगे? हाँ, एक सेकंड हो गया अभी। अच्छा, तुम क्लास पूरा किया है ना ऑप्टिक्स का? तुम ग्लास लैब पढ़ो बच्चे। वहां बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है, और ये कितना शिफ्ट होता है, पैरेलल शिफ्ट क्यों होता है, एक्सप्रेशन सारा डिराइव किया हुआ है वहां पे, कितना शिफ्ट होता है वो भी निकाला हुआ है। कुछ नहीं होता है, दो बार स्नेल्स लॉ लगाते हैं, पैरेलल आ जाते हैं एक दूसरे के। वो समझ गया कि उसका चोरी पकड़ा गया है आज, उसका सारा बात हम लोगों ने सुन लिया है। अभी इसको फोन करके उसको बताना होगा कि भाई अपना लव स्टोरी को तुम पब्लिक तो मत करो कम से कम। मान लो एक लाइट गया यहां से, वॉयलेट और रेड का कॉम्बिनेशन है, बाइक्रोमेटिक लाइट है बच्चों, ठीक है? इसमें वॉयलेट कलर है और रेड कलर है, और फाइनली प्रिज्म के अंदर क्या हुआ, छोड़ो हटाओ दुनियादारी, बोला कि प्रिज्म से बाहर निकला तो एक इधर, दिस इज वन दिस इज टू, आपको बताना है वन कौन है टू कौन है, बोलो। वन रेड होगा और टू वायलेट होगा। अबे रेड कम डेविएट होता है, सिंपल सी बात है। अच्छा मान लो, चलो एक और सवाल, यहां से भेज दिया मैंने येलो को और रेड को, ठीक है? जब इस सरफेस पे पहुंचा तो एक तो बाहर निकला और एक का टीआईआर हो गया, जैसे सपोज वन दिस इज टू, बताओ वन कौन टू कौन, सोच। वन रेड होगा ना बच्चे, ना देखो टीआईआर, हाँ सही बात है, टीआईआर का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ, ऐसे साफ साफ दिख रहा है फिर भी चलो। टीआईआर किस पे डिपेंड करता है? क्रिटिकल एंगल पे बच्चों, बोलते नहीं, हमें पता है कि साइन सी इक्वल टू वन बाई म्यू होता है, यानी कि सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। बोलो, क्रिटिकल एंगल जो है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और म्यू किसका ज्यादा, रेड का या येलो का? येलो का। अबे भीप गायोर, लेमडा बढ़ता है, लेमडा बढ़ता है, लेमडा बढ़ता है और म्यू घटता है, म्यू घटता है, तो म्यू येलो का ज्यादा होगा म्यू रेड से, और म्यू येलो का ज्यादा है तो इसका क्रिटिकल एंगल कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, किससे? क्रिटिकल एंगल ऑफ रेड से। अच्छा, तो जिसका क्रिटिकल एंगल कम होगा उसका टीआईआर होगा, या जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा उसका टीआईआर होगा? जिसका कम होगा, अरे क्रिटिकल एंगल तक जब पहुंच जाते हैं तो टीआई, मान लो क्रिटिकल एंगल एक का है तुम्हारा 15 डिग्री और दूसरा है मान लो तुम्हारा 30 डिग्री रेड का, तो कौन सबसे पहले होगा, 15 या 30? 15। तो जिसका क्रिटिकल एंगल कम है उसका टीआईआर सबसे जल्दी होगा। तो ये हो गया वन तुम्हारा येलो, और बाहर जो गया वो कौन है, रेड। नहीं समझ में आया सर, एक और सवाल दो आप। तो चलो ठीक है, ये लो, मान लो मैंने इसमें तीन कलर का लाइट दिया, वायलेट ब्लू, सॉरी ब्लू नहीं, ग्रीन ले लो, ग्रीन और रेड, ठीक। यहां से जब बाहर पहुंचे ये लोग तो एक ये और एक का हो गया टीआईआर,
बताओ कौन कौन है। वन इज रेड, बहुत बढ़िया। टू ग्रीन होगा, बहुत बढ़िया। और तीन जो बच गया वायलेट होगा। सर ऐसा काहे सर, तुम देखो TIR किसका हुआ, सबसे पहले तो ये जानना है कि TIR होगा किसका। इसको और इसको पहचानना है, बीच वाला तो आ ही जाएगा। रेड और वायलेट में टेंशन है, बीच में तो जो होगा वो बीच में आएगा। तो देखो ये है वायलेट, सॉरी यहां से आओ, वायलेट। वायलेट का जो है, वायलेट का म्यू जो है सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका लैम्डा सबसे कम है और इसका म्यू सबसे ज्यादा, और म्यू सबसे ज्यादा तो उसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम, यानी कि वायलेट का क्रिटिकल एंगल सबसे कम, तो ये सबसे जल्दी TIR हो जाएगा। बाकी ऐसा भी हो सकता है, ये भी बोलना सही है, बट TIR में मान लो दो तीन लगा दिया, दो तीन अंदर आ गया, तब एक्चुअली TIR के केस में ना बच्चे, TIR के केस में हम लोग क्रिटिकल एंगल ही देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना गलती होने का चांसेस रहता है, समझ रहे हो, क्योंकि TIR में थोड़ा सा केस बदल जाता है ना, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन होता नहीं है। हम लोग डेविएशन अगर निकालें तो चांसेस है कि गलती होगा, हालांकि मेरा मानना है कि ठीक है, पहले तो देख के पता लग रहा है कि भाई सबसे कम डेविएट हुआ तो ये तो पक्का रेड ही होगा, ये चीज तो दिमाग में आता ही है। लेकिन अगर TIR हो तो कृपया सी का कॉन्सेप्ट एक बार जरूर चेक कर लो, सेफ साइड में रहोगे, क्योंकि उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है TIR के लिए। तो और कोई बात नहीं है, इधर से इधर जा रहे हैं, लैम्डा बढ़ रहा है, म्यू घट रहा है, म्यू घट रहा है तो सी बढ़ रहा है। और जिसका क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा उसका TIR सबसे डिफिकल्ट, ठीक है बात। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, डिस्पर्सिव पावर। कौन सा पावर? डिस्पर्सिव पावर, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, डिस्पर्सिव पावर। देखिए मान लो यहां से गया व्हाइट लाइट, जाना इसको इधर था, कुछ हुआ होगा, टूटा होगा ये, फिर यहां से बाहर निकलते टाइम थोड़ा और बाहर गया होगा, ऐसा कुछ, ठीक। तो हमें पता है बच्चों डेविएशन दो तरह का होता है, डेविएशन की अगर बात करें, अच्छा ये वाला कौन रेड है और ये वाला कौन है वायलेट है, और बीच में कौन आता है येलो, ठीक है। तो दो बातें, ये हो गया डेल्टा आर, आर में डेविएशन, ये हो गया डेल्टा वायलेट, वायलेट। तो हमने थीटा लिखा था, थीटा, थीटा इज एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, और थीटा का वैल्यू किसके बराबर था भाई, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, ये हो गया। और एक चीज बताया था मीन डेविएशन, नाम लिया था मीन डेविएशन का, मीन डेविएशन किसके बराबर होता है, येलो वाला डेल्टा वाई के बराबर। चलो सबसे पहले एक काम करो, ये डायग्राम बनाओ और डेविएशन लिखो पहले, सॉरी इसका डेफिनेशन लिखो पहले, फिर बताते हैं। ला 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 ला, दोनों का रेशियो होता है डिस्पर्सिव पावर, और कोई नहीं होता है, एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइड बाय मीन डेविएशन, दैट इज डिस्पर्सिव पावर। ये एंगल ए है और इसका बस इतना काफी है। डायग्राम बन गया, कौन आ रहा है जी यादव जी,
बोलूं? लिखो, इफ इफ व्हाइट लाइट इज मेड टू फॉल ऑन अ मीडियम, इफ व्हाइट लाइट इज मेड टू फॉल ऑन अ मीडियम, ऑन अ मीडियम देन डिस्पर्सन एंड डेविएशन बोथ अकर्स. When white light is made to fall on a medium, then dispersion and deviation both occurs. Both occurs. Both occurs. Full stop. The dispersive power. The dispersive power is the ratio of the dispersive power is the ratio of angular dispersion and mean deviation. Angular dispersion and mean deviation. Angular dispersion and mean डेविएशन. लिख लिए? अच्छा, डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म होता कितना था? लास्ट क्लास कराया था, तीन प्रिज्म. तीन प्रिज्म वाला फॉर्मूला क्या था? अरे तीन प्रिज्म, हम जितने n माइनस वन इंटू ए. तो जरा बताओ, वॉयलेट के लिए क्या हो जाएगा डेल्टा? ये हो जाएगा तुम्हारा एन वी माइनस वन इंटू ए. और रेड के लिए कितना हो जाएगा? एन आर माइनस वन इंटू ए. इसका वैल्यू यहां रख दूं तो एंगुलर डिस्पर्सन थीटा का वैल्यू आ जाएगा एन वी माइनस वन इंटू ए माइनस एन आर माइनस वन इंटू ए. इसको सॉल्व करोगे तो देखो, यहां माइनस ए आएगा और ये माइनस माइनस प्लस ए आपस में शहीद हो जाएगा और तुमको मिलेगा एन वी ए माइनस एन आर ए. तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा एन वी माइनस एन आर इंटू ए. दिस इज एंगुलर डिस्पर्सन. सबसे पहले ये रहा मीन डेविएशन डेल्टा वाई. डेल्टा वाई का मतलब क्या? एन वाई माइनस वन इंटू ए. तो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज डिस्पर्सिव पावर. दिस इज द रेशियो ऑफ थीटा एंड डेल्टा. थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा. यानी कि ओमेगा का वैल्यू अगर कोई पूछे तो आप क्या बोलने वाले हो? थीटा का वैल्यू मिला एन वी माइनस एन आर इंटू ए डिवाइडेड बाई मीन डेविएशन. कितना? एन वाई माइनस वन इंटू ए. ए से ए शहीद. सो ओमेगा इक्वल टू आपको मिलेगा एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन वाई माइनस वन. दिस इज डिस्पर्सिव पावर. नोट करें, ये बोर्ड वोर्ड में आ सकता है प्रूफ करने के लिए. डिस्पर्सिव पावर डिफाइन करो, इसका एक्सप्रेशन लिखो. नीलोय दास आया क्या? नहीं आया ना? हम लोग जितना चीज पढ़ रहे हैं बच्चे, सब थिन प्रिज्म के लिए पढ़ रहे हैं. हमारे सिलेबस में वही है. अभी बदल जाएगा, डेफिनेटली बदल जाएगा. फिर सब वो डेल्टा वाला फॉर्मूला आ जाएगा, समझ रहे हो? आई प्लस ई माइनस ए, याद है? हाँ, डेविएशन का सारा कहानी वहां चला जाएगा. लेकिन उसका जरूरत होता नहीं है. हम लोग जितना भी प्रैक्टिकली यूज करते हैं सारा मैक्सिमम तीन प्रिज्म होता है, इसलिए हमारे सिलेबस में वही दिया हुआ है. आगे फिजिक्स पढ़ोगे इस फील्ड? अरे बता तो दिया भाई क्यों होता है, क्या बात कर रहा है? शुरू से सुना नहीं क्या तुम? लेमडा अलग अलग होता है, लेमडा अलग अलग होता है तो म्यू अलग अलग होता है, म्यू अलग अलग होता है तो स्पीड अलग अलग होता है, और स्पीड अलग अलग होने के कारण अलग अलग डेविएशन होता है. डायरेक्ट में लिखेंगे और तुम तो वही कहानी कर दिया भाई, पूरा रामायण खत्म. अरे सीता कौन थी ये? अब दो चीजें हमको और पढ़नी है बच्चों, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन. मिटाऊं इसको? हाँ, यस यस.
याद रखना ये एक्सप्रेशन, अभी यूज करेंगे इसको। हाँ अब क्या करते हैं बच्चों, दो प्रिज्म एक साथ लगाते हैं। ये एक्सप्रेशन भी बोर्ड में कभी पूछा हुआ है तो मैं करा दे रहा हूं। माल अरे प्रिज्म लगा के इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ना बच्चे, बहुत सारा वो दूरबीन वगैरह देखा है, और सब में प्रिज्म लगा होता है भाई, जितना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, माइक्रोस्कोप वगैरह होता है, सब में प्रिज्म वगैरह यूज होता है। तो वहां पर इसका यूज करते हैं कि कितने पावर का हमको चाहिए। अरे क्या बात कर रहा है, प्रिज्म लगाया जाता है बच्चे, वो जो बड़ा बड़ा दूरबीन जो होता है ना, वो जो आर्मी लोगों के पास होता है, वो मेले में बिकने वाला नहीं, मेले में बिकने वाला नहीं बड़ा बड़ा जो दूरबीन होता है उसमें दो दो तीन तीन चार चार प्रिज्म यूज होता है। उसका कंस्ट्रक्शन कभी पढ़ोगे तो पता लगेगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हवा में सही में यूज होता है। दिस इज A1, उसमें लेंस है, उसमें लेंस है बच्चे, हाँ बिल्कुल उसमें लेंस है। दो प्रिज्म ले लिया, उल्टा लगा दिया एक दूसरे के साथ, इसका डिस्पर्सिव पावर सपोज ω1, इसका ω2, ठीक है क्या। यहां से एक लाइट गया, अंदर कुछ हुआ होगा, आई डोंट नो, निकल गया बाहर। दोनों के लिए अलग अलग सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखता हूं, बताओ इसका ओमेगा वन किसके बराबर आता। ओमेगा हमने पढ़ा अभी NB-NR/NY-1, तो इसके लिए आ जाता है NV1-NR1/NY1-1, और इसके लिए ओमेगा टू आ जाता NV2। थोड़ा सा और थियोरिटिकल पार्ट है, बर्दाश्त कर लो, उसके बाद हम आने वाले हैं अच्छे चीजों में, NY2-1, ठीक है। और क्या क्या निकाला था, थीटा, थीटा कितना आया था बच्चों निकल के, इधर निकाला था थीटा अभी, NV-NR(a), यही आया था क्या थीटा। तो थीटा वन हो जाएगा बच्चों NV1-NR1(a1), और थीटा टू हो जाएगा दूसरे वाले के लिए NV2-NR2(a2), ठीक। डेल्टा, डेल्टा का एक्सप्रेशन मीन डेविएशन की बात करें अगर, तो इसके लिए डेल्टा आ जाएगा NY1-1 into A1 होता था, और इसका मीन डेविएशन डेल्टा टू हो जाएगा NY2-1 into A2। तो बताओ नेट डेविएशन कितना मिलेगा बच्चों, अगर दोनों प्रिज्म को एक साथ रखूं तो नेट डेविएशन क्या करें, डेल्टा नेट, क्या डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू या डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, प्लस नहीं होगा बच्चे, माइनस होगा, दोनों प्रिज्म उल्टा लगाया हुआ है, समझ रहे हो बात को। अगर एक क्लॉकवाइज डेविएट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो इसलिए जब डेल्टा नेट लिखेंगे तो हम लिखने वाले हैं डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, सब्ट्रैक्ट किया तो डेल्टा नेट जो मिलेगा हमको कितना मिलेगा, NY1-1 into A-NY2-1 into A2, और थीटा नेट, थीटा नेट जो होगा दैट इज θ1-θ2, तो थीटा नेट का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, θ1-θ2 कर दूं तो NV1-NR1, ये एक्सप्रेशन है तुम्हारे बुक वगैरह में डिराइव किया हुआ है, मैं पता नहीं क्यों कर रहा हूं, NV2-NR2 into A2, ऐसा कुछ समझने का चीज है नहीं। तो दो चीजें होती हैं, पहला होता है केस वन, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, यानी कि डेविएशन नहीं होना चाहिए, डिस्पर्सन होना चाहिए। तो डेविएशन क्या है, डेल्टा नेट, और डेविएशन नहीं होने के लिए डेल्टा नेट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इसको पुट कर देते हैं हम लोग जीरो, डेल्टा नेट जीरो मतलब NY1-1 into A1-NY2-1 into A2 इक्वल टू जीरो। तो यहां से मिलेगा NY1-1 into A1 equal to NY2-1 into A2, इसका वैल्यू कितना आएगा NY1-1 का, वो ओमेगा वाला एक्सप्रेशन था ना, ये रहा, यहां से NY1-1 कितना आ जाएगा, देख रहे हो NY1-1 का वैल्यू आ जाएगा NV1-NR1/ω1, दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू,
एन भी वन माइनस एन आर वन डिवाइडेड बाई ओमेगा वन इंटू ए वन इक्वल टू सिमिलरली एन वाई टू माइनस वन का वैल्यू आ जाएगा एन वी टू माइनस एन आर टू डिवाइड बाई ओमेगा टू एन वी टू माइनस एन आर टू डिवाइड बाई ओमेगा टू इंटू ए टू ठीक। और एन वी वन माइनस एन आर वन इंटू ए वन इसको हमने बोला है थीटा वन एन वी वन माइनस एन आर वन इंटू ए वन इज थीटा वन एंड एन वी टू माइनस एन आर टू इंटू ए टू इज थीटा टू तो ये पूरा बन गया न्यूमरेटर में थीटा वन डिवाइड बाई ओमेगा वन मस्ट बी इक्वल टू थीटा टू डिवाइड बाई ओमेगा टू। ये प्रूफ पूछा जा सकता है कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन होगा तो ये थीटा वन बाई ओमेगा वन मस्ट बी इक्वल टू थीटा टू बाई ओमेगा टू। इधर वाला थोड़ा सा मिटाऊं क्या लिखे हो क्या? अच्छा ठीक है लिखो। अच्छा मैंने सुना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिलेबस से हटा दिया है, सही बात है क्या? एक बार सिलेबस चेक करना तो तुम लोग जरा, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप है कि नहीं है? जेडबली में तो नहीं है श्योर, नीट में था पता नहीं है कि हटा दिया। बच्चे ये प्रिज्म उल्टा लगा है ना, अगर ये प्रिज्म इसको क्लॉकवाइज डेविएट करेगा तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज नहीं करेगा? इमेजिन करो इसके लिए ये एंगल कंसीडर होगा, इसके लिए ये एंगल। ये डायग्राम छोड़ो, तुम ऐसे सोचो ना, ये प्रिज्म को अगर उल्टा कर देता तो यही, अगर ये अभी मान लो ऐसे कर रहा है क्लॉकवाइज कर रहा है, इसको उल्टा कर दूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो जाएगा? हाँ, तो इसके कारण अगर क्लॉकवाइज हो रहा है डेविएशन तो इसके कारण एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है बच्चे, दोनों को उल्टा लगाया गया है तभी तो जीरो मिलने का चांस है। अगर दोनों क्लॉकवाइज हुआ तो कभी जीरो मिलेगा क्या? डेविएशन 5 डिग्री + 5 डिग्री कभी जीरो आ ही नहीं सकता है, 5 डिग्री और -5 डिग्री मिलकर जीरो आ सकता है, इसलिए दो प्रिज्म को उल्टा करके यूज किया जाता है। समझ रहे हो बात? लिख लो एज इट इज, जैसे लिखा है वैसे लिख लो, बोर्ड एग्जाम में आए तो छाप देना, और बाकी लोग बस ये कंडीशन याद रखना लास्ट वाला, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का कंडीशन होता है थीटा वन बाई ओमेगा वन इक्वल टू थीटा टू बाई ओमेगा टू। डिस्पर्सन क्यों होता है? हाँ बच्चे, हाँ बहुत सही। स्पीड से तुम लोग को थोड़ा फील भी कर सकते हो, जैसे नदी में कोई नाव जा रहा है, ठीक है, अगर अगर मान लो मतलब उसका जो वेव है नदी का कुछ है उसके अगेंस्ट में जा रहा है, अगर ज़्यादा स्पीड से जाए तो बहुत कम डेविएट होता है, अगर धीरे धीरे आराम से जाए तो नदी उसको धक्का मार के कहीं और पहुंचा देगा। फील कर पा रहे हो? हाँ, तो वही चीज़ यहाँ भी लगता है बच्चे। चलिए मैं मिटाता हूँ, एक और चीज़ है लास्ट, इधर से मिटा दूँ थोड़ा सा। केस टू, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए बच्चों, डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए मतलब थीटा नेट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एंगुलर डिस्पर्सन जो था उसको जीरो कर दिया, थीटा नेट का वैल्यू ये था, अगर इसको जीरो करूं तो वो आरएचएस में चला जाएगा, यानी कि एन वी वन माइनस एन आर वन इंटू ए वन इक्वल टू आ जाएगा एन वी टू माइनस एन आर टू इंटू ए टू। इसका वैल्यू यहीं से रख दो, एन वी वन माइनस एन आर वन का वैल्यू आ जाएगा एन वाई वन माइनस वन इंटू ओमेगा वन, तो इसके जगह पे आ गया एन वाई वन माइनस वन इंटू ओमेगा वन इक्वल टू, इसके जगह पे आ जाएगा एन वाई टू माइनस वन इंटू ओमेगा टू। और एन वाई वन माइनस वन, एन वाई वन माइनस वन का वैल्यू कितना आ जाएगा? कुछ गलती कर दिया क्या? ए वन छूट गया क्या? एन भी वन माइनस एन आर वन के जगह पे आया एन वाई वन माइनस वन इंटू ओमेगा वन, ए वन छूट गया ना, ए वन भी तो था यहां पे,
और यहां पे A2 था। अब देखो NY1-1 इंटू A1 ये हो जाएगा डेल्टा 1, ये A1 है, तो NY1-1 इंटू A1 को लिख दिया डेल्टा 1 इंटू ओमेगा 1 इक्वल टू इधर आ जाएगा डेल्टा 2 इंटू ओमेगा 2। नोट करें ये दूसरा एक्सप्रेशन, तो यहां तक था थोड़ा सा बकवास कहानी, नो डाउट थोड़ा सा बकवास, बकवास इन द सेंस की पूरा थ्योरिटिकल सेक्शन है, थ्योरी थ्योरी ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन चलो कोई नहीं, सिलेबस में था तो हमने पढ़ा दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक बढ़िया टॉपिक, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। इसको नोट करने के बाद हेडिंग लगाओगे